अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, एक हकीम साहब हुआ करते थे जो बहुत ही नेक दिल और दीनदार थे, जिनका दवाखाना एक पुरानी इमारत में था। हकीम साहब रोज अपने दवाखाने जाने से पहले अपनी बीबी से कहते कि जिस चीज की तुम्हें आज जरूरत है वो तुम एक कागज पर लिखकर मुझे दे दो। तो उनकी बीबी ऐसा ही करती, वो एक कागज पर घर का सामान लिखकर हकीम साहब को दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर जाकर सबसे पहले उस पर्चे को खोलते, बीबी ने जो कुछ लिखा होता वो उनका हिसाब लगाते और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते, या अल्लाह, मैं तेरे हुक्म के तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। जैसे ही तू मेरी आज की जरूरत को पूरी कर देगा, मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊंगा। और फिर ऐसा ही होता, कभी तो सुबह के 10 बजे या कभी 11 बजे हकीम साहब अपने मरीजों से फारिक होकर अपने घर चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने अपनी दुकान खोली और रकम का हिसाब लगाने के लिए पर्ची खोली तो वो पर्ची को देखते ही रह गए। एक लम्हे के लिए तो उनका दिमाग घूम गया, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जल्द ही हकीम साहब ने अपने आप पर काबू पा लिया। उस पर्चे पर दालचीनी और घर के सामान के अलावा उनकी बीबी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। हकीम साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर सब चीजों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिख दिया कि ये खुदा का काम है और खुदा ही जाने। फिर वो अपने काम में लग गए। एक दो मरीज आए थे जिनको हकीम साहब ने दवा दे दिया। उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक बड़ी सी कार आकर रुकी, लेकिन कार के आने या कार के अंदर कौन है उनको हकीम साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कार वाले हजरात भी हकीम साहब के पास अपना इलाज करवाने के लिए आते जाते रहते थे। ये सब तो रोज का काम था। जब सारे मरीज अपनी दवा लेकर चले गए तो वो कार वाले साहब कार से बाहर निकले, हकीम साहब को सलाम किया और जाकर उनकी दुकान में बैठ गए। तो हकीम साहब ने कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी है तो यहाँ स्टूल पर आकर बैठ जाएं ताकि मैं आपको चेक कर सकूं, और अगर आपको किसी और की दवा लेनी है तो आप उस मरीज की हालत बता दें। फिर वो साहब बोले कि हकीम साहब, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप भला मुझे कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपसे कई साल बाद मिल रहा हूँ। अपनी पहचान के लिए मैं आपको अपनी पुरानी मुलाकात के बारे में कुछ बताता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ पर आया था तो मैं यहाँ खुद नहीं आया था, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ खुदा ने भेजा था, क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ कुछ यूं था कि मैं अपने गांव जा रहा था, तभी हमारी गाड़ी आपकी दुकान के सामने आकर खराब हो गई। ड्राइवर मैकेनिक को बुलाने के लिए चला गया। गर्मी का मौसम था, तभी आपने देखा कि मैं गर्मी और धूप में गाड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ। फिर आप मेरे पास आए और अपनी दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि आप अंदर आकर बैठ जाए, तो मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर मैकेनिक को लाने में कुछ ज्यादा ही देर लगा दिया था। एक छोटी सी बच्ची भी मेरे पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, और आप उस बच्ची से कह रहे थे कि बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके पास इतनी देर से बैठा हूँ, मुझे लगता है कि आपसे मुझे कोई दवा खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस न करें। मैंने कहा, हकीम साहब, मैं अमेरिका में रहता हूँ, वहाँ गए हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। जाने से पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है। मैंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन अब सिर्फ हमारे हाथ मायूसी है। आपने कहा था
कि मेरे भाई तौबा अस्तगफार पढ़ो और अपने रब से मायूस ना हो। याद रखो उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। औलाद हो, माल हो, गम खुशी जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ में है। किसी डॉक्टर के हाथ में कोई शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। अगर शिफा मिलती है तो वो खुदा के हुक्म से मिलती है। औलाद देनी है तो वही देने वाला है। मुझे याद है कि आप बातें भी कर रहे थे और साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। सारी दवाई आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दी, अलग अलग लिफाफों में रख दिया। फिर आपने मुझे दोनों लिफाफे एक थैली में डालकर दवा खाने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको कुछ रकम देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पूछा कि कितने पैसे देने हैं तो आपने कहा था बस ठीक है रहने दो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने दोबारा पूछा तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। वहीं पर एक और आदमी मौजूद था तो उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि हकीम साहब ने आज के अपने जरूरत के लिए जितनी रकम खुदा से मांगी थी वो अल्लाह ताला ने उन्हें दे दी है, ज्यादा रकम वो नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने गलत ख्यालात थे। लेकिन ये तो कितना अजीम इंसान है। फिर मैंने अपने घर जाकर अपनी बेगम को ये दवाइयाँ दिखाई और उसे सारी बात समझाई तो वो कहने लगी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। मुझे यकीन है कि उनकी दी हुई दवा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी। हकीम साहब, आज मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। खुदा ने आपको हमारी मदद का वसीला बनाया। हम हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। जब भी मैं अपने गांव छुट्टी पर आता हूँ तो हर बार मैं आपकी दुकान पर आया लेकिन मुझे हमेशा आपकी दुकान बंद ही मिली। मैं कल दोपहर को भी आया था लेकिन आपकी दुकान कल भी बंद थी। वहीं एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 7 बजे आ जाएं, वरना उनसे मिलना मुश्किल है। इसीलिए मैं आज आपसे मिलने सुबह सुबह आया हूँ। जब कई साल पहले मैंने आपकी दुकान में आपकी छोटी बेटी देखी तो मैंने बताया था कि उसे देखकर मुझे मेरी भांजी याद आ रही है। मेरी भांजी की शादी इसी महीने में ही होनी थी। उसकी शादी का सारा खर्चा मैंने अपने जिम्मे लिया था। मैंने उसे पैसे भी भिजवाए थे कि वो अपनी मर्जी की चीजों को खरीद ले, लेकिन अचानक वो एक हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। उसके इंतकाल होने के बाद न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने ये फैसला किया कि हम दहेज का सारा सामान आपकी बेटी के लिए पहुंचा देंगे और अगर शादी जल्द हो गई तो सारा इंतजाम खुद ही करेंगे और अगर अभी कुछ वक्त हुआ तो नगद रकम पहुंचा देंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इन सब के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। ये सुनकर हकीम साहब हैरान और परेशान थे और फिर बोले, अरे साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह बीबी के हाथ से लिखी हुई पर्ची देखी तो घर के खाने पीने के सामान के साथ साथ बेटी के दहेज का सामान लाने को लिखा हुआ था और आप खुद ही देख ले कि पर्ची पर क्या लिखा हुआ है। ये कहकर हकीम साहब ने उस पर्ची को कार वाले साहब को थमा दी। कार वाले साहब ने जब पर्ची देखी तो वो देखकर हैरान हो गए। उस पर्ची पर लिखा था कि ये खुदा का काम है, खुदा ही जाने। हकीम साहब ने कहा, यकीन मानिए, जो भी मेरी बीबी ने पर्ची पर लिखा हो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन सब चीजों को लाने का बंदोबस्त नहीं हुआ। आपकी भांजी की वफात का मुझे बहुत अफसोस है लेकिन मैं उस पाक रब की कुदरत पर हैरान हूँ कि जो हमें क्या क्या मौजजे दिखाता है। इस तरह
हकीम साहब की बेटी के दहेज के सामान का इंतजाम होता है और बड़े ही धूमधाम से उनकी बेटी की शादी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें यही सबक मिलता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा करना चाहिए और सब्र के साथ काम लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।